जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि ICER का एग्ज़ाम हो रहा है और आज से ही स्टार्ट हुआ है। सुबह जो है एक शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल ओवर ही होने वाला है। जो है एक ही दो मिनट में विद्यार्थी बस निकलने ही वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर मैं पहुँच चुका हूँ। ये कानपुर में ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, RCRD देख सकते हैं, RCRD ऑनलाइन सेंटर। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है कल भी पेपर होगा, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सीधा जो है विजयनगर से आप जो है आपको वाहन मिल जाएगा और आपको RCRD ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के ठीक सामने ला करके यहाँ पर उतार देगा। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम पहुँच चुके हैं एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के विद्यार्थियों का आज जो है सेकेंड शिफ्ट में पेपर हो रहा है। बहुत ही जल्द ही विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम दे करके बाहर निकलने वाले हैं। फिर उनसे वार्ता करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पेपर किस तरीके का है, किस तरीके के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में हो, बायोलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो, हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। और हमारे साथ यादव सर भी जो है आ चुके हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पर। और हम लोग वैसे जो है सुबह नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अब मैं रिव्यू जो है डेली का रिव्यू आप लोगों को देता रहूँगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग जुड़े रहिए, ठीक है। अभी तुरंत ही जैसे ही विद्यार्थी सामने आते हैं, तुरंत उनसे बात किया जाएगा कि कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किस तरीके का पेपर आज का रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं, एक सेकंड वेट करिए। तो देख सकते हैं आप लोग, बैच जो है छूट चुका है। अभी हमने बताया कि थोड़ी देर में छूटने वाला, बिल्कुल छूट चुका है। सारे बच्चे आ रहे हैं, कृषि वर्ग के विद्यार्थी सभी लोग जो है एग्जाम सेंटर से निकल चुके हैं। अभी बात करते हैं कि किस तरीके के जो है सवाल पूछे गए थे, ताकि जो कल बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल सके। ये देखिए निकल के आ रहे हैं, क्या पोजीशन है बेटा? बढ़िया है। ICER कैसा पेपर रहा? बढ़िया ही रहा। बढ़िया रहा। हाँ। तो एग्रीकल्चर में क्या पूछा गया? एग्रीकल्चर में सर इधर किनारे हो जाओ, जो पढ़ाया गया था वही कॉन्सेप्चुअल सवाल। हाँ। जैसे कोई क्वेश्चन याद हो तो जरूर बताएं। जैसे उसमें था कि ये देखिए सारे विद्यार्थी जो है निकल रहे हैं पेपर दे करके। हाँ, जो जो क्वेश्चन याद हो बताओ जरा, कुछ याद है जैसे कोई सवाल एग्रीकल्चर का? सर सर ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, और लगभग मैं और कोई क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीकल्चर ही आप लोग बता पाएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो उतना नहीं क्लियर होगा। लेकिन हाँ ये है कि आप करके आए होंगे, उम्मीद करते हैं। आपको याद है कोई सवाल एग्रीकल्चर का, कोई याद हो? चलिए देखो भूल गए हैं, बता नहीं पा रहे हैं। ICER का एग्ज़ाम अपने में एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे आ रहे हैं, अभी बात करते हैं। एक दो बच्चे जो CSA में चयनित छात्र हैं, वैसे इनका बांदा में एडमिशन हो चुका है, तिवारी एग्रीकल्चर से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये कैमरे में बोल नहीं पा रहे हैं, क्या मामला है? कुछ कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो? सर एग्रीकल्चर होगी या केमिस्ट्री में सर हवा नहीं लग रही, पता नहीं कहाँ से आई। केमिस्ट्री टफ थी है और बाकी एग्रीकल्चर आसान है। एग्रीकल्चर में हो गया सर, में आप एग्रीकल्चर से हैं या बायोलॉजी से? एग्रीकल्चर। कहाँ से हैं, किस जिले से? उन्नाव से। तो कैसा जो है पेपर गया आपका? पेपर अच्छा गया। तो एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में सबसे सरल कौन सा पेपर आपका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री अच्छी तैयार किया था आपने, चलिए बहुत बढ़िया है। काफ़ी लोग जो है, आप लोग भी जरा थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं। चखुश रहो भैया, एग्रीकल्चर से हैं आप लोग? एक मिनट भैया इधर आओ। अरे एक आध क्वेश्चन तो बताओ। हाँ आओ आओ। एग्रीकल्चर में कोई सवाल याद है इधर बताओ? सवाल तो नहीं याद आ रहा, लेकिन क्वेश्चन आसान। अच्छा केमिस्ट्री, थोड़ा पेपर कैसा गया? ये सब एग्रीकल्चर वाले निकल रहे हैं, है ना? सारे लोग एग्रीकल्चर वाले हैं ICER के लिए, इसीलिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। बाकी UP कैडेट में तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, है ना? तो पेपर सही गया, चलो ठीक है जाओ। अभी देखते हैं जो है कुछ बच्चे जो बता पाएंगे तो उनसे बात करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कैमरा, इधर दिखाओ जरा। ये सब बच्चे जो है एग्रीकल्चर से निकल के आ रहे हैं, पेपर दे करके आ रहे हैं, है ना? पेपर एग्रीकल्चर का बता रहे हैं आसान है। हिस्ट्री और बायो शायद गुड इवनिंग बायो कैसी आई थी? सर
डिफिकल्ट आएगी थोड़ी। अच्छा, और एग्रीकल्चर? सर एग्रीकल्चर तो नॉर्मल थी वैसे। केमिस्ट्री? थोड़ी। मतलब आप लोगों को एग्रीकल्चर समझ में आया पेपर? यस। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे एग्रीकल्चर वालों को केवल एग्रीकल्चर ही समझ में आता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरे साल जो है कानपुर में एग्रीकल्चर से होते हैं, YCR का सपना देख रहे होते हैं। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, किसी को एक भी प्रश्न नहीं क्लियर हो पा रहे हैं कि आया क्या। किसी को पता है केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई सवाल बता पाएगा? काफी टफ पेपर था, काफी टफ। अब देख लीजिए जो है पेपर टफ था। तो अब देखिए, जो कृषि वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको ICR का एग्जाम इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि उनको NCERT नहीं पढ़ाई जाती है। 11th और 12th में उनको भारत भारती पढ़ाया जाता है और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, NTA एग्जाम कराता है। तो ये कहीं ना कहीं मैथ और बायो ग्रुप के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी स्ट्रीम वालों को NCERT पढ़ाया जाता है, बायो वो पूछा जाता है। बाकी एग्रीकल्चर तो नॉर्मल रहा होगा। यस सर, एग्रीकल्चर टफ आया। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एग्रीकल्चर में? रीजन ज्यादा क्वेश्चन, मैचिंग टाइप के सवाल पूछे गए थे क्या? यस सर, मैचिंग वाले। यस सर, मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, अभी रुके रहिएगा, अगर आप वास्तव में ICR की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको मैचिंग टाइप के सवाल पढ़ने पड़ेंगे। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, मतलब वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर, वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट भी हो गए होंगे UP कैडेट में और वो एग्जाम देने आए हैं, है ना, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को इसमें पहचान भी रहा हूँ जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, फिर भी ICR के पेपर को टफ बता रहे हैं। तो वैसे तीनों विषय में अगर हम एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल किस में आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं? एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री किस लेवल की कुछ समझ में आ रहा था कि जो आप लोगों ने पढ़ा हो? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पहुँच जा रहा था केमिस्ट्री, बिल्कुल पहुँच जा रहा था। भाषा नहीं समझ में आ रही हम लोगों को, लेवल सही के क्वेश्चन नहीं। और एक चीज आप लोग कि जो केमिस्ट्री में हिंदी दिया है वो इंग्लिश ही वही हिंदी में लिखा होगा। जी बिल्कुल, काफी सवाल आपको देखने को मिले होंगे। मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूँ, कानपुर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को ICR के नाम पर जो है सपना दिखाते हैं और उनका ओवरऑल एक साल तैयारी करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। मैं बताता हूँ, अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी करते हैं तो बेहतर होगा, यूपी कैडेट का तो सिलेबस सही लगभग आता है, बच्चे हो जाते हैं। अगर आप ICR की तैयारी वास्तव में करना चाहते हैं, 11th और 12th दोनों साल आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में देना पड़ेगा। नहीं तो भैया आप जान ही रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड भी हैं और फिर भी उनको यहाँ का पेपर समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या कंडीशन रही पेपर की? कौन से विषय का सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया? सबसे अच्छा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर गया। एक मिनट रुके रहिएगा, एग्रीकल्चर में कोई सवाल याद है? कोई क्वेश्चन याद हो बताओ। है ना, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एकदम रियल एनालिसिस चल रही है और बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चा जो है एक भी सवाल नहीं बता पा रहा, और वैसे टफ था पेपर क्योंकि मैचिंग टाइप के जो सवाल हैं इतने अल्प समय में, इतने कम समय में याद करना संभव नहीं है। बेटा तुम्हें कुछ याद हुआ? इनका CSA में एडमिशन हुआ है, इनसे जरा बात करके देखते हैं, क्योंकि CSA में सिलेक्टेड है, फ्री सीट पर एडमिशन हुआ है। ये जो है विजेंद्र पासवान है, अपने ही कोचिंग के पढ़ने वाले हैं। अब इनसे पूछते हैं, कोई सवाल याद हो बताओ। यस सर, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करें तो उसमें पूछा था अर्का अनमोल जो आम की किस्म है, क्या ये नियमित फलन वाली है और असल किस्म की है? सुन लो भाई, और एक पूछा था अर्का पुनीत ने कहा कि ये विदेशी किस्म की फसल है, मतलब विदेशी किस्म है। इसमें पूछा था क्या आर एक का व्याख्या कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन था। मतलब असर्जन रीजन टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब दो कथन दिए गए होंगे, है ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। और जो बच्चे इधर आओ, तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर कैमरे के सामने। अरे एक सवाल बताओ भैया, कहाँ भागे जा रहे हो, इधर आओ। ये है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों का नज़ारा, जो ICR का सपना दिखाते हैं लोग, उनके लिए रियल एनालिसिस है कि आपके लिए यूपी कैडेट एकमात्र विकल्प है, इसलिए मैं एग्जाम सेंटर पर आया हूँ। और जो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनके लिए ICR तो ठीक है, और उनके लिए स्पेशल हमारे यहाँ ICR का बैच चलता है। बाकी कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को साफ मना कर दिया जाता है कि अगर ICR की तैयारी करनी है
तो भैया 2 साल का समय दीजिए, नहीं तो यूपी कैडेट का सपना देखिए। बाकी मैसूर बायो ग्रुप से हैं तो आईसीआर का ही सपना देखिए, यूपी कैडेट का सपना ना देखिए, और आईसीआर के लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप मैसूर बायो ग्रुप से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यूपी कैडेट के लिए मैं दिशा निर्देश देता हूँ। और यूपी कैडेट के लिए विधिवत पूरे पूरे बैच का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? और क्या कोई क्वेश्चन याद हो? यस सर। और किसी को जिनको भी कोई क्वेश्चन याद हो बता सकते हैं। गाय भैंस बकरी और घोड़ा का ससंदर पूछा था, इसमें सुमेलित करना था, मैचिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद कुक्कुट से पूछा था कि मतलब एक कुक्कुट के लिए फ्रीज वाली जो होती ठंडी विधि वाली, उसमें एक हेक्टेयर में 250 मुर्गियों का रखना उचित है और फिर उसमें उनका पालन सही से पता, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद मुर्गी से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा था, उसमें मोरक्स में पूछा था गुम्बारो करके, ऐसे क्वेश्चन था जो कि हमारे श्री योगेंद्र सर ने इसके बारे में बताया भी था, इसलिए क्वेश्चन मेरा सही भी है सर। एक्चुअल में योगेंद्र सर कानपुर में अगर बात करें तिवारी एग्रीकल्चर में एक ऐसे एग्रीकल्चर के टीचर हैं जो बहुत डीपली पढ़ाते हैं बेटा कि नहीं सर, है ना? क्वेश्चन फंसे भी थे 5 से 6 लगभग। बाकी तो वन लाइनर वाला कांसेप्ट कानपुर में चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा है सिस्टम जहाँ पर पूरा डीपली विधिवत स्टडी कराई जाती है। बाकी और केमिस्ट्री वगैरह है, बायो में कोई सवाल? बायो में पूछा गया था मतलब खाने के लिए जैसे म्यूकर और मतलब संबंधित। बायोलॉजी स्ट्रीम के विद्यार्थी सुन ले, कल बायोलॉजी वालों का सुबह पेपर है। बायोलॉजी में और भी क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि सम्मिलित करने के लिए बायोलॉजी में प्रोटिस्टा संघ का कौन सा जीव नहीं है, इसमें से ये भी पूछा था, अमीबा डाला था और भी ऐसे वलना ग्लासम इन तरीके के ऑप्शन को डालकर क्वेश्चन को पूछा गया था। कितने सवाल आपने जो है बायोलॉजी में अटेम्प्ट कर लिया? सही, बायोलॉजी में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन थे। और एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में 38 से 40। और केमिस्ट्री में? 15 से 20। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर भी उस हिसाब से तो हो जाना चाहिए, आईसीआर में भी हो जाना चाहिए इनका, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सभी लोगों ने बताया कि पेपर टफ है ना, उसको देखते हुए मुझे लगता है इनका आईसीआर में भी हो जाना चाहिए। और यूपी कैडेट में आपकी जो है ओवरऑल रैंक कितनी है? ओवरऑल रैंक 246। ओवरऑल रैंक इनकी 246 है। और ग्रुप रैंक कितनी है? ग्रुप रैंक 39 है। ग्रुप रैंक 39 है, कैटेगरी रैंक इनकी 6 है। यूपी कैडेट में इन्होंने एडमिशन ले लिया है और उम्मीद करते हैं आज के पेपर से कि इनका पेपर अच्छा गया है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, क्योंकि मैंने सभी की बिल्कुल एनालिसिस आपको दिखा दिया कि पूरे सेंटर पर एग्जाम देने वाले विद्यार्थी एक सिंगल प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे थे। यही एक ऐसा बच्चा हमें मिला, ठीक है, जो कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफलाइन बैच का छात्र है, जिसने कुछ ना कुछ सवाल जो है बताए, और उम्मीद करते हैं जितना इन्होंने किया होगा इनका बिल्कुल सही गया होगा, ठीक है। बाकी कल के फीडबैक एनालिसिस सेंटर पे आकर के फिर से बायोलॉजी स्ट्रीम के विद्यार्थियों से बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।